नमस्कार, खबरां दिस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हाँ परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुनिया खबरां। संसद का सर्द रुत इजलास 4 तो 22 दिसंबर तक होगा। इजलास दौरान 15 बैठक होंगियां। 5वीं भारत अमरीका मंत्री पद्धर की दुवली वार्ता अज नवी दिल्ली च। केंद्रीय कैबिनेट सकत्तर ने पराली साड़न नूं रोकण बारे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ते दिल्ली दे मुख सकत्तरां नाल कीती एक उच्च पदरी मीटिंग। पंजाब सरकार ने जल दिवाली मुहिम तहत कीते समागम। क्रिकेट विश्व कप मुकाबले च न्यूजीलैंड ने श्रीलंका नूं 5 विकटां नाल हरा के सैमीफाइनल लई अपनी स्थिति कीती मजबूत। संसद का सर्द रुत इजलास 4 दिसंबर तो शुरू होगा। संसदीय कार्य मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बारे जानकारी देंदे दसिया कि 4 दिसंबर तो शुरू होने वाला इजलास 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिनों के इस इजलास दौरान 15 बैठक होंगियां। अमृतकाल दौरान हो रहे इस इजलास में विधानक कामकाज और होरना अहम मुद्दों पर विचार वटांदरे की संभावना है। 5वीं भारत अमरीका 2+2 मंत्री पदरी वार्ता च नवी दिल्ली च होवेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस गलबात लई नवी दिल्ली पुजे। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ते रक्षा सकत्तर लॉयड आस्टन दा स्वागत कीता। 2+2 रक्षा ते सुरक्षा सहयोग, सूचना तकनोलॉजी, मुल लड़ी सहयोग ते लोकां विचाले आपसी संबंधां वर्गे मुद्दियां ते हुण तक हुई प्रगति बारे उच्च पदरी समीक्षा कीती जावेगी। विदेश मंत्रालय वल्लों जारी बयान में आख्या गया कि मंत्री इस साल जून ते सितंबर च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन विचाले हुई गलबात दौरान उलीके गए भारत अमरीका साझेदारी संबंधी खाके नूं अमली जामा पहनाउण लई उपराले करनगे। नवी दिल्ली च विदेश मंत्रालय दे मुख बुलारे अरदम बागची ने नवी दिल्ली च अज हुई भारत अमरीका दे मंत्रियों की 2+2 मीटिंग बारे पत्रकारों नाल जानकारी सांझी कीती। Information to share on that, but yes, we have received an invitation. Sumira, on the issue of discussions, yes, as you know, the 2+2 is tomorrow. I think Secretary of Defense, US Secretary of Defense, has just landed, and we're expecting Secretary Blinken this evening. Tomorrow is there. I'm not going to try to prejudge the conversations. I guess, considering the nature of our relationship and the strategic global strategic, a variety of issues are discussed, including topics. केंद्रीय कैबिनेट सकत्तर राजीव गाबा ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ते दिल्ली दे मुख सकत्तरां ते होर सीनियर अधिकारियों नाल इक मीटिंग कीती, जिस च किसानां वल्लों पराली साड़न नूं रोकण बारे विचार वटांदरा कीता गया। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार नूं वाढ़ी दे सीजन दे बाकी रहिंदे दिनां च पराली साड़न तों रोकण लई प्रभावी कार्रवाई करन लई आख्या। केंद्र ने कहा कि पराली ना साड़न नूं यकीनी बनाउण लई डिप्टी कमिश्नर अते SSP अते SHO दी जिम्मेवारी तय कीती जाणी चाहीदी है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट वल्लों प्रदान कीते गए अंकड़िया अते सूबा सरकारां वल्लों प्रदान कीती गई इनपुट्स दे आधार ते पता लगा है कि मौजूदा संकट दी स्थिति दा मुख कारण पराली दा साड़ना है। 15 सितंबर तो 7 नवंबर तक कुल 22,644 पराली साड़न दीआं घटनावां दर्ज कीतीआं गईआं ने, जिन्हां च 93% पंजाब अते 7% हरियाणा च होईआं ने। विचार वटांदरे दौरान यह भी सामने आया कि हरियाणा च वाढ़ी 90% तो वध मुकम्मल हो चुकी है, जबकि पंजाब च 60% है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट नूं पंजाब अते हरियाणा च फ्लाइंग स्क्वैड भेजन अते खेतां च अग लगाउण दीआं घटनावां बारे रोजाना रिपोर्ट पेश करन लई आख्या गया। अजिहा सुप्रीम कोर्ट दे निर्देशां नूं लागू करन लई कीता गया। पंजाब सरकार वल्लों सूबे 7 नवंबर तो 9 नवंबर तक जल दिवाली मनाई गई। इस संबंध विच बठिंडा, राजपुरा ते रूपनगर च समागम कीते गए। समाप्ति समागमां च 150 तो वध औरतां दे सैल्फ हैल्प ग्रुप नूं नगर निगम SAS नगर, बठिंडा च रामा, राजपुरा च गंडा खेड़ी अते रूपनगर विच ज्ञानी जैल सिंह नगर विच 5 नंबर वाटर ट्रीटमेंट प्लांटां दा दौरा करवाया गया। यह जानकारी चंडीगढ़ च स्थानक सरकारां विभाग दे डायरैक्टर उमा शंकर गुप्ता वल्लों दित्ती गई। उन्होंने दस्सिया कि पहलकदमी औरतों लई पानी अते पानी लई औरतां मुहिम तहत पीण वाले पानी दे ट्रीटमेंट प्लांटां च आयोजित की गई। इस दौरे दौरान पानी दी संभाल दे संकल्प नाल औरतों नूं प्लांट दी कार्यविधि प्रतख दिखाई गई। उन्होंने दस्सिया कि जल दिवाली देश व्यापी मुहिम है, जो हाउसिंग ते शहरी मामलों के मंत्रालय वल्लों अपनी फ्लैगशिप स्कीम अमृत के तहत शुरू की गई एक पहलकदमी है।
पंजाब दीयां जेलां च सुधार लियाउण दे संकल्प नाल पंजाब सरकार ने सूबे दीयां जेलां च मैंटल हैल्थ इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू कीता है। यह जानकारी पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दित्ती है। चंडीगढ़ दे म्युनिसिपल भवन सैक्टर 35 विच करवाए गए सूबा पद्धरी समागम दौरान प्रोग्राम दा आगाज़ करदिआं डॉक्टर बलबीर सिंह ने दस्सिआ कि पहलकदमी नाल पंजाब दीयां चार जेलां लुधियाना गुरदासपुर पटियाला अते अमृतसर विच कैदियां नूं स्क्रीनिंग काउंसलिंग अते रैफरल सेवावां प्रदान कीतीआं जाणगीआं। सेहत मंत्री ने कि प्रोजेक्ट जल्दी ही पंजाब दीयां सारीयां जेलां च लागू कीता जाएगा। वर्ल्ड हैल्थ पार्टनर्स दे सहयोग नाल इन्हां केंद्रां च कौंसलर भर्ती कीते गए ने जो कैदियां दी मानसिक सेहत विच सुधार लियाउण लई काउंसलिंग करनगे। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दे केंद्रीय संचार ब्यूरो वल्लों लुधियाना दे गुरु नानक देव भवन विखे 9 साल सेवा सुशासन अते गरीब कल्याण विषय ते लगाई गई 3 दिना फोटो प्रदर्शनी दे दूजे दिन विद्यार्थियों नूं ट्रैफिक नियमां ते पराली साड़न दे माड़े प्रभावों बारे जानकारी दित्ती गई। इस दौरान आम लोगों च जागरूकता फैलाउण दा सद्दा दित्ता गया। लोकतंत्र की खुशहाली लई हरेक नूं अपने वोट ते अधिकार की वरतों करन लई भी प्रेरित किया गया। समागम दौरान जिला उप सिख्या अफसर जसविंदर सिंह मुख मेहमान के तौर ते शामिल होए। ए प्रदर्शनी जिहड़ी पिछले सालां दौरान भारत वल्लों वख-वख खेतरां च लगाई गई तरक्की नूं दर्शाउंदी है ते नौजवानां ते खास करके विद्यार्थियों लई जानकारी दा भंडार है। लुधियाना ट्रैफिक पुलिस दे एजुकेशन सैल दे अधिकारी हैड कॉन्सटेबल जसबीर सिंह ने लोगों नूं ट्रैफिक नियमां दी पालना ना करन दे चलदिआं शरीर नूं सट फेट लगण दे खतरे समेत कानूनी पेशगियां च फसण बारे विस्थार विच जागरूक कीता। वोटर जागरूकता संबंधी स्वीप प्रोग्राम तहत लोगों नूं अपनियां पहलां तों बणियां वोटां च किसे तरह की गलती की सुधाई करवाउण ते नौजवानों नूं अपनी नवी वोट बनाउण दे ऑनलाइन तरीकों बारे जिला चोण दफ्तर दे अधिकारियां हरनूर कौर अते जगदीप सिंह वल्लों जागरूक किया गया। खेतीबाड़ी विभाग के खेतीबाड़ी विकास अफसर वीरपाल कौर ने भी पराली साड़न नाल होण वाले नुकसान बारे जानकारी सांझी की। इस दौरान रेनू ने घरेलू गैस के सुरक्षित संचालन ते सांभ संभाल बारे जानकारी सांझी की। संचालन ब्यूरो के खेती सहायक गुर कमल सिंह वल्लों क्विज मुकाबला करवाया गया जिसके जेतुआ नूं इनाम भी तकसीम किए गए। मुख्य मेहमान जसविंदर सिंह ने हाजिर विद्यार्थियों ते होर लोगों नूं अपनी अते वातावरण की संभाल करन दा सद्दा दिंदिआं कहा कि सानू सारिआं नूं मिलके समाज अते देश की तरक्की लई काम करना चाहीदा है। भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान JP नड्डा की प्रवानगी मगरों BJP की पंजाबी इकाई वालों अपने अहदेदारों की गिनती च वाधा किया गया। सूबा प्रधान सुनील जाखड़ वालों जारी बयान अनुसार इंदर इकबाल सिंह अटवाल जतेंद्र मित्तल और मोहिंदर कौर जोश न पार्टी के सूबा मीत प्रधान शामिल किया गया जबकि रजिंदर भंडारी अरविंद खन्ना और सुंदर श्याम अरोड़ा पंजाब BJP की कोर ग्रुप च नामजद किया गया। पंजाब दी तीरंदाज प्रणीत कौर ने एक होर कीर्तिमान स्थापित करदे बैंकॉक विच चल रही एशियन चैंपियनशिप विच दोहरा सोन तमगा जितया। प्रणीत कौर ने व्यक्तिगत अते टीम वर्ग च सोन तमगा जितया। खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेर ने पंजाब दी होनहार तीर अंदाज नूं इस मानमती प्राप्ति ते बधाई दित्ती है। खेड मंत्री ने प्रणीत कौर की इस प्राप्ति का सेहरा उसकी सख्त मेहनत के नाल नाल उस दे कोच अते मापियां दे सिर बन्निया। मानसा जिले की पिंड मंडाली की प्रणीत कौर ने जिथे हुण एशियन चैंपियनशिप विच व्यक्तिगत अते टीम वर्ग च दोहरा सोन तमगा जितया उथे इस तों पहलां एशियाई खेडां विश्व चैंपियनशिप अते विश्व कप विच भी टीम वर्ग च सोन तमगा जितया। क्रिकेट ICC विश्व कप मुकाबले च न्यूजीलैंड ने बंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम च खेडे गए मैच में श्रीलंका नूं 5 विकटां नाल हरा दिता है। टॉस जितने तो बाद न्यूजीलैंड ने पहला गेंदबाजी करने की इच्छा जाहिर की। श्रीलंका ने बल्लेबाजी शुरू करदिआं 46 ओवरां ते 4 गेंदां पिछे 171 दौड़ां बनाईआं सन। श्रीलंका वल्लों दिता गया 172 दौड़ां का टीचा न्यूजीलैंड ने 23 ओवरां ते 2 गेंदां च हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी ते गेंदबाजी दोनों ही प्रशंसा योग सन। इस जित नाल न्यूजीलैंड हुण भारत दक्षण अफ्रीका ते आस्ट्रेलिया तो बाद सैमीफाइनल 4th स्थान प्राप्त करने लई मजबूत स्थिति विच आ गया। न्यूजीलैंड वल्लों बंगलुरु च कीते गए शानदार प्रदर्शन का असर पाकिस्तान उपर पैना लाजमी है। हुण पाकिस्तान नूं वधेरे हिम्मत ते जोश नाल अगला मैच वड्डे फर्क नाल जितना होवेगा। जिक्रयोग है कि इस विश्व कप मुकाबले च 45 मैच होने ने जिन्हां विचों 41 मैच हो चुके ने ते 42वां मैच अज दक्षण अफ्रीका अते अफगानिस्तान विचाले अहमदाबाद विच खेडिया जावेगा। मौसम
मौसम विभाग अनुसार पछमी गड़बड़ी कारण मौसम च बदलाव आने की संभावना है। पंजाब के इसके नाल लगते इलाकों अज सवेरे हल्की तो दरमियानी बारिश होने की खबर मिली ने। जलंधर के इसके आले दुआले हल्की तो दरमियानी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अज पंजाब समेत हरियाणा और राजस्थान में भी हल्की बारिश की संभावना जताई सी। अगले दो दिन तक हवा की रफ्तार तेज रहेगी। मौसम महकमे अनुसार पिछले कई दिन तो दिल्ली के नाल लगते इलाकों के लोग जबरदस्त प्रदूषण कारण परेशान ने। दिल्ली ते इस दे नाल लगदे इलाकियां च हल्की बारिश नाल इस परेशानी तो राहत मिल गई है। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक आरएनयू डीडी के जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज ते एक्स ते भी देख सकते ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चुनवीआं खबरां एक बार फिर तो। संसद का सर्द रुत इजलास 4 से 22 दिसंबर तक होगा। इजलास दौरान 15 बैठकां होंगीआं। पंजवी भारत अमरीका मंत्री पद्धर की दुबली वार्ता अज नवी दिल्ली च। केंद्रीय कैबिनेट सकत्तर ने पराली साड़न नू रोकन बारे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान ते दिल्ली दे मुख सकत्तरां नाल कीती एक उच्च पदरी मीटिंग। पंजाब सरकार ने जल दिवाली मुहिम तहत कीते समागम। क्रिकेट विश्व कप मुकाबले च न्यूजीलैंड ने श्रीलंका नू 5 विकेटां नाल हरा के सैमीफाइनल दी अपनी स्थिति कीती मजबूत। तेज दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।